गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडिशन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एडिशन का साइन देख लेते हैं और इक्वल्स टू का साइन। ये प्लस, यही एडिशन का साइन होता है। दो नंबर को जब भी जोड़ने से पहले ये बीच में आएगा, यही ये प्लस का साइन हुआ एडिशन का। और ये इक्वल्स टू, इक्वल्स टू आंसर लिखने के लिए ये साइन का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग शेप वाले क्वेश्चन से सबसे पहले देखते हैं। यहाँ हम लोग एक शेप लेते हैं और ये प्लस वाला साइन लेंगे हम लोग, और यहाँ दूसरा शेप, ये आंसर के लिए इक्वल्स टू। तो यहाँ एक शेप है, यहाँ दूसरा शेप है, तो वन प्लस वन हो गया टू। और शेप ले लेते हैं हम लोग, वन शेप, और यहाँ हम लोग दो शेप ले लेते हैं, दूसरा। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, वन प्लस टू, तो वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री। और दूसरा शेप लेते हैं हम लोग, यहाँ सर्कल ले लेते हैं वन, और यहाँ हम लोग दूसरा भी सर्कल लेते हैं प्लस, और यहाँ तीन शेप लेते हैं हम लोग, वन टू थ्री इक्वल टू। तो यहाँ कितने सर्कल्स हुए, वन टू थ्री फोर फाइव, टू इधर और थ्री इधर, तो हो गए टोटल फाइव। तो चलिए अब हम लोग नंबर वाला एडिशन सीखते हैं। तो हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ले लेंगे, वन वन है और प्लस टू, वन में हमको टू ऐड करना है। तो सबसे इजी ट्रिक होगा, तो हम लोग स्टिक ड्रॉ कर लेते हैं वन, तो वन का एक स्टिक और ये टू है, तो हम लोग दो स्टिक और लेंगे क्योंकि वन में टू को ऐड करना है। तो हम लोग टू लेंगे, अब इसको हम लोग पूरा काउंट करके यहाँ आंसर लिख देंगे, तो वन टू थ्री, तो ये थ्री हो गया आंसर। तो हम इसको फिर से बताते हैं, वन है, वन में टू को ऐड करना है। तो हम लोग सबसे इजी ट्रिक लेंगे, वन स्टिक, स्टिक वाले से वन स्टिक और टू स्टिक और लेंगे क्योंकि टू को वन में ऐड करना है। तो टू स्टिक, वन टू थ्री, तो ये थ्री आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम लोग, टू प्लस फोर टू, तो जैसे कि हम लोग स्टिक वाले से कर रहे हैं, तो इसके टू टू के लिए दो स्टिक ड्रॉ करेंगे, वन टू, और टू में कितना ऐड करना है, फोर, तो फोर स्टिक और लेंगे, वन टू थ्री फोर, इसको लोग काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल कितना हो गया, सिक्स, यहाँ सिक्स लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थ्री प्लस थ्री, तो थ्री के लिए हम लोग तीन स्टिक लेंगे, वन टू थ्री, और इस थ्री के लिए भी तीन स्टिक लेंगे, वन टू थ्री। अब हम लोग उसको काउंट करके टोटल यहाँ लिख देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ सिक्स लिख देंगे। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टू प्लस थ्री इक्वल टू, दो स्टिक इसके लिए टू के लिए, और ये थ्री, थ्री के लिए थ्री स्टिक, वन टू थ्री, काउंट करेंगे इसको, वन टू थ्री फोर फाइव, लोग यहाँ फाइव लिख देंगे। और क्वेश्चन इधर ले लेते हैं हम लोग, थ्री प्लस फाइव थ्री, तो थ्री के लिए कितने स्टिक लेंगे हम लोग, थ्री, वन टू थ्री, थ्री फाइव को थ्री में ऐड करना है, तो फाइव स्टिक और लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर हम काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहाँ एट लिख देंगे। और एक नंबर लेते हैं हम लोग, फोर प्लस फोर इज इक्वल टू फोर, तो फोर स्टिक लेंगे हम लोग, वन टू थ्री फोर, ये फोर को इस फोर में ऐड करना, तो और फोर स्टिक लेंगे, वन टू थ्री फोर, हम लोग काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट। और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग, थ्री प्लस फोर, थ्री के लिए हम लोग तीन स्टिक लेंगे, वन टू थ्री, फोर के लिए फोर स्टिक, वन टू थ्री
4। अब हम लोग इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 1 + 5 = 1। 1 के लिए 1 स्टिक, 5 के लिए 5 स्टिक, तो 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो बच्चों उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेके अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, 5 + 2 =, जैसे कि हम लोग स्टिक से सॉल्व कर रहे थे तो ये 5, तो हम लोग 5 स्टिक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 में हमको कितना ऐड करना है, 2, तो हम लोग 2 स्टिक और लेंगे, 1, 2। इसको हम लोग काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक बार और काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टोटल 7, हम यहाँ 7 लिख देंगे। 5 + 2 = 7। और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, 6 + 3, तो 6 है, तो हम लोग 6 स्टिक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ 3 हमको 6 में ऐड करना, तो और 3 स्टिक लेंगे हम लोग, 1, 2, 3। हम लोग काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे, तो 6 + 3 = 9। और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, 8 + 2 = 8। 8 स्टिक लेंगे हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 इसमें ऐड करना, तो 2 स्टिक्स और लेंगे, 1, 2। काउंट करते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे, तो 8 + 2 = 10। और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, 7 + 7 = तो 7 है, हम लोग 7 स्टिक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 और है, इसमें 7 में 7 ऐड करना, तो हम लोग 7 स्टिक और लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हम यहाँ 14 लिख देंगे, तो 7 + 7 = 14। और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 9 + 1 = 9 है, तो हम लोग 9 स्टिक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 में हमको कितना ऐड करना, 1, एक स्टिक और लेंगे। अब हम लोग इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ 10 लिख देंगे, तो 9 + 1 = 10। और दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 5 + 4 = 5, तो हम लोग 5 स्टिक लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 में 4 ऐड करना, तो हम लोग 4 स्टिक और लेंगे, 1, 2, 3, 4। तो हम इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम यहाँ 9 लिख देंगे, तो 5 + 4 = 9। और दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग, 4 + 6
इज इक्वल टू 4, तो हम लोग 4 स्टिक्स लेंगे, 1 2 3 4, 4 में हमको 6 ऐड करना है, तो हम लोग 6 स्टिक और लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम लोग यहाँ 10 लिख देंगे। लोग फिर से एक क्वेश्चन लेते हैं, 8 + 8 = 8, तो 8 स्टिक्स ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हमको 8 ऐड करना, तो 8 स्टिक और लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16, तो हम यहाँ 16 लिख देंगे, तो 8 = 16। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से एडिशन सीख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, तब तक वेट कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरीके के वीडियो के लिए MWA Academy Junior को सब्सक्राइब करिए।